हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, हमारा कल जो है रियासतों वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था। आज के वीडियो में हम जंगल सत्याग्रह वाला पार्ट देखेंगे। इस पार्ट से जो है पेपर में हर बार स्टेट सर्विस के पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस पार्ट को हम अच्छे से कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इसके पहले जो है कल के वीडियो में कुछ डाउट आए थे, पहले मैं उसको भी बता देता हूं कि एक डाउट था कि मैंने बताया था पहले कि अगस्त 1947 में जब अनुबंध पत्र तैयार किए गए थे, जिसमें 3 मामले थे मुख्य रूप से, यातायात वाला था, विदेश मामले थे और रक्षा मामले थे। तो क्योंकि जब माउंटबेटन योजना के आधार में ये 3 मामले, जब तक देशी रियासत डिसाइड नहीं कर लेती कि वो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र है, तब तक उनको उस अनुबंध पत्र में साइन करना था कि वो भारत के अधीन रहेंगे। तो इसके तहत जो है सबसे पहले साइन जो ये 3 मामले के लिए, जो यातायात, रक्षा और विदेश मामले के लिए जो सबसे पहले साइन किया था, वो थे खैरागढ़ के राजा। लेकिन जो बाद में जब रियासतों का भारत में विलीनीकरण होना था, यानी जब रियासत जो भारत में शामिल हो रही थी उसमें जो सबसे पहले अनुबंध पत्र जो उस समय सबसे पहले साइन किए थे, यानी जब 1 जनवरी 1948 को यह घोषणा की गई थी कि भारत में ये रियासत शामिल हो, और उसके पहले जब रियासतों का नागपुर में सम्मेलन हुआ था वहां पर सबसे पहले साइन किया था राजनांदगांव की रानी ज्योति जयंती देवी। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज है। पहली वाली चीज जो है उसमें जो 3 चीजें थी उसके लिए साइन किया गया था, और बाद में जो है वो भारत में शामिल होने के लिए साइन किया गया था। तो भारत में जब शामिल होने के लिए राजनांदगांव की रानी ने सबसे पहले साइन किया था, और वो 3 चीज के लिए, जो यातायात, विदेश और रक्षा मामले के लिए, सबसे पहले साइन किया था खैरागढ़ के राजा ने। ठीक है, तो ये एक डाउट था, ये क्लियर है। इसके बाद एक और डाउट था कि जैसे कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रियासत से जो है टकौली वसूल किया जाता था, तो उसमें यह डाउट था कि सबसे ज्यादा टकौली किससे वसूल किया जाता था, क्योंकि मैंने पहले जो है खैरागढ़ वाला बताया हुआ था बिंबाजी भोसले के काल में। देखिए, जब बिंबाजी भोसले का काल था तो उस समय जो है टकौली की निश्चित राशि तय नहीं थी, यानी कोई भी टकौली लेने के लिए कोई भी एक अनुबंध पत्र या बोले या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कराया गया था। केवल और केवल वहां बोला जाता था हमको इतनी टकौली दी जानी चाहिए, अगर वो नहीं देते थे तो वो टकौली की राशि बढ़ा दिया जाता था, वही सब हो रहा था। तो उस समय सबसे ज्यादा जो टकौली देते थे वो थे खैरागढ़ रियासत। ठीक है, उसके बाद जब ब्रिटिश काल चालू हुआ, यानी जब एगन्यू ने आकर यहाँ पर सबसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया, और उसके बाद जो है 1862 में जाकर, यानी 1865 में जाकर जब देशे जो जमींदारी थी उनको रियासत का दर्जा दिया गया, तो वहां पर टकौली वसूल करने के लिए जो है 20 से लेकर 30 साल तक के अनुबंध, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता था, और टकौली की राशि फिक्स कर दी जाती थी कि इतना कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 20 से 30 साल तक आप इतना पैसा हमको वार्षिक कर के रूप में देंगे। तो वहां पर जब ब्रिटिश काल आया, यानी जब जमींदारियों को रियासत का दर्जा दिया गया, तब सबसे ज्यादा जो पैसा देता था वो था राजनांदगांव रियासत। ठीक है, लगभग 84,000 रुपए उनसे वार्षिक कर के रूप में वसूल किया जाता था। तो वहां पर सबसे ज्यादा पैसा देता था या टकौली देता था राजनांदगांव रियासत। और मराठा काल जब बिंबाजी भोसले का काल चल रहा था, तब जो है सबसे ज्यादा खैरागढ़ रियासत जो है टकौली वो देता था। ठीक है, तो ये भी डाउट था, तो इसको भी क्लियर कर लिए। तो चलिए हम आज का जो टॉपिक है उसको चालू करते हैं और देखते हैं कि जंगल सत्याग्रह आखिर छत्तीसगढ़ में कैसे कैसे हुए। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहला जंगल सत्याग्रह होता है, वो है सिहावा जंगल सत्याग्रह, जो कि 21 जनवरी 1922 को धमतरी में होता है। सिहावा एक ग्राम है धमतरी में, वहां पर ये सिहावा जंगल सत्याग्रह हुआ था। तो मुख्य रूप से ये एक बोल सकते हैं असहयोग आंदोलन के पार्ट के रूप में भी चला था, कि मतलब जब छत्तीसगढ़ के पूरे क्षेत्र में असहयोग आंदोलन की लहर थी, तो उसी समय जो है धमतरी के सिहावा नगर में ये सत्याग्रह हुआ था, जंगल सत्याग्रह। तो याद रखिये, पिछले बार स्टेट सर्विस का ही क्वेश्चन है कि 1922 में धमतरी में किस प्रकार का सत्याग्रह हुआ था, तो ऑप्शन था किसान आंदोलन, जंगल सत्याग्रह, ऐसे। तो सबसे पहले 21 जनवरी 1922 को सिहावा जंगल सत्याग्रह हुआ था, जो कि धमतरी में था। इसका मुख्य कारण यह था, इस समय जो यहाँ पर वन श्रमिक थे, उनको वन श्रमिकों को यहाँ पर मजदूरी कम दी जाती थी, यानी उनसे काम करा लिया जाता था, उनको जो मजदूरी है वो भी काफी कम दी जाती थी। तो उसी के विरोध में ये सत्याग्रह किया गया था, और कहीं ना कहीं जाकर यह असहयोग आंदोलन के पार्ट के रूप में भी चल गया फिर छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो यहाँ पे जितने भी नेता थे, उन्होंने एक प्लान बनाया जिसके तहत जो है वन के अंतर्गत, यानी जो आरक्षित वन थे, वहां जाके लकड़ी को काटने का प्लान बनाया,
क्योंकि आरक्षित वनों से लकड़ी काटना एक जुर्म था उस समय के हिसाब से, अभी भी है वो, ठीक है। तो आरक्षित वनों से इन्होंने लकड़ी काटा और जंगल मतलब जंगल कानून का उल्लंघन किया। तो इसमें जो सबसे प्रमुख लोग थे वो थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ये जो थे ये प्रमुख नेता थे जो हर आंदोलन में हम यहाँ पे इनका नाम देखेंगे ही, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। लेकिन इस समय प्रमुख रूप से जो इस आंदोलन में जो स्थानीय नेता थे वहां के, जैसे श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, बाली ठाकुर, विश्वंभर पटेल और अवधराम गोंड, ये वहां के स्थानीय नेता थे। ये जो है मुख्य रूप से ये जो लकड़ी काटने वाला काम था ये करने गए थे, सबको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था इस आंदोलन के कारण। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को यहाँ पर इस आंदोलन में नेतृत्व करने के कारण जो है एक वर्ष का यहाँ पर सजा दी गई थी। वैसे ही नारायण राव मेघावले को 8 माह की सजा हुई थी। इसी प्रकार जो है अवधराम गोंड को यहाँ पर 6 महीने की सजा हुई थी, ठीक है। तो इसके बाद जो है लगभग 33 लोग को यहाँ पर 3 माह की सजा हुई थी, जो इस आंदोलन में शामिल हुए थे 33 लोग उनको यहाँ पर 3 महीने की सजा हुई थी और 6 लोगों को 6 महीने की सजा हुई थी। तो ये आंदोलन के बाद जब सिहावा जंगल सत्याग्रह बहुत असहयोग आंदोलन के पार्ट के रूप में चल रहा था, तो यहाँ पर वन अधिकारियों को समझ आ गया था कि जो वन श्रमिक है उनको मजदूरी के कारण मतलब उनका शोषण किया जा रहा है। तो आखिर जो है उन्होंने जाकर वन श्रमिकों को उचित मजदूरी वहां पर तय किया और उतना मजदूरी देने लगे, जिसके बाद यह आंदोलन शांत हुआ, ठीक है। तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह है जो 21 जनवरी 1922 को हुआ। याद रखने वाली बात यह है कि पेपर में ये जो हमारा आंदोलन है ये मुख्य रूप से असहयोग आंदोलन के समय हुआ था, बाकी छत्तीसगढ़ में जितने भी जंगल सत्याग्रह हो रहे हैं वो या तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ लगभग चल रहे हैं। तो आपको ये पूछा जा सकता है, पेपर में 4 ऑप्शन देगा या 5 ऑप्शन देंगे कि ये इस इनमें से कौन सा आंदोलन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नहीं हुआ, यानी कौन सा जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नहीं हुआ, तो ये है सिहावा जंगल सत्याग्रह। इसके बाद 1938 वाले भी हैं लेकिन मुख्य रूप से यही पूछा जाएगा। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर जितने भी मैं जंगल सत्याग्रह बता रहा हूँ ये सब एक लाइन वाइज है ना, यानी डेट वाइज जो चल रहे हैं उसी डेट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो आप इसी क्रम में याद कीजिएगा। और खासकर जो मैं यहाँ पर डेट बता रहा हूँ या आपको महीने का नाम बता रहा हूँ, या मैचिंग में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है कि जंगल सत्याग्रह देंगे और उसके सामने में मैचिंग में डेट पूछेंगे और उसको मैच करने बोलेंगे, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह, जो कि गट्टा सिल्ली भी धमतरी में स्थित है। तो यहाँ पर जो हुआ था जंगल सत्याग्रह वो हुआ था मुख्य रूप से जून 1930 में, ठीक है। तो जून 1930 में क्या हुआ था, मुख्य रूप से अगर बोला जाए तो ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय का सत्याग्रह है ये। तो इसमें जो हुआ था यहाँ पर जो जितने भी स्थानीय लोग थे उन्होंने इसके लिए क्या किया कि अपने जो पशु थे या मवेशी थे उनको जंगल में छोड़ दिया और आरक्षित वन में जो घास था वो, क्योंकि पशु अगर जाएंगे वन में तो वो घास चरेंगे, तो उस घास चरने के आरोप में जंगल कानून टूट गया। और उस जंगल कानून टूटने के कारण अंग्रेजों ने क्या किया, इन आदि जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उनके 800 मवेशियों को कैद करके कांजी हाउस में रख लिया, जहां पर पशुओं को कैद किया जाता है। तो यहाँ पर पशुओं को कैद कर लिया गया। हाँ, एक चीज मैं ये ऊपर वाले में बताना भूल गया था तो इसको ये बता दे रहा हूँ, जितने भी ये देखिए ये श्यामलाल सोम, परम पंचम सिंह, ये विश्वंभर पटेल, अवधराम गोंड, ये सब पहले से जब सुंदरलाल शर्मा ने 1921 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी ये वहां से सभी लोग ये प्रशिक्षित थे ना ये आंदोलन करने के लिए, यानी इनको ट्रेनिंग दी गई थी कि अगर पुलिस अत्याचार भी करे तो आपको कुछ भी हाथ वाथ नहीं उठाने, हिंसा का सहारा नहीं लेना है। तो ये सब सत्याग्रह आश्रम से प्रशिक्षित थे पहले, ठीक है। तब इसमें आते हैं तो यहाँ पर 800 मवेशियों को जो है कैद कर लिया गया था। तो इसी पशुओं को मतलब छुड़ाने के लिए इनके ये जंगल सत्याग्रह जो मुख्य रूप से चला था, तो इसमें क्या किए थे कि जितने भी पशु को कैद किया गया था कांजी हाउस में, तो अंग्रेज अधिकारियों का ये प्लान था कि उन पशुओं को बेच दिया जाएगा, लेकिन जो हमारे जितने भी यहाँ पर सत्याग्रही थे वो जो है उस कांजी हाउस के गेट के बाहर लेट गए। तो गेट के बाहर लेटने के कारण जो है पशुओं को बाहर नहीं लाया जा सका। तो यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर शामिल है इस समय भी सत्याग्रह आश्रम की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा ने की थी और पहले भी की हुई थी, तो ये सब ट्रेनिंग प्राप्त थे उनसे सभी लोग, और खुद सुंदरलाल शर्मा ही इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो यहाँ पर सभी को ट्रेनिंग पहले से मिली हुई थी। तो यहाँ पर पुलिस के द्वारा जो है
काफी मारा पीटा गया, इनको डंडे से भी मारा गया, खौलता हुआ पानी भी इनके ऊपर फेंका गया, लेकिन ये पहले से प्रशिक्षित होने के कारण ये सब प्रताड़ना वो पहले भी झेल चुके थे, इससे प्रशिक्षित थे वो पूरी तरीके से। तो यहाँ पर वो जितने भी लोग थे यहाँ पर जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो उस कांजी हाउस के बाहर उठे ही नहीं वहां से। तो आखिर में जाकर जो अंग्रेज अधिकारियों को इनकी मांगों के सामने झुकना पड़ा और सभी मवेशियों को छोड़ दिया गया। ठीक है, तो यहाँ के इस आंदोलन के प्रमुख थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, नथुजी जगताप, नारायण राव मेघावले, छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नथुजी जगताप, नारायण राव मेघावले, छोटेलाल श्रीवास्तव। धमतरी में लगभग लगभग वही नाम बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया गट्टासिल्ली जंगल सत्याग्रह जो हुआ था जून 1930, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चालू होने हुआ था तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुआ था वो था गट्टासिल्ली जंगल सत्याग्रह जो कि जून 1930 में हुआ था। इसके बाद अगला जंगल सत्याग्रह देखते हैं वो है पोंडीग्राम जंगल सत्याग्रह। तो ये पोंडीग्राम जंगल सत्याग्रह, पोंडी जो है एक गांव का नाम है जो कि बिलासपुर में स्थित है। देखिए छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह में पोंडीग्राम बहुत सारे हैं, एक का जो ये वाला पोंडीग्राम है ये बिलासपुर में स्थित है। इसके बाद मोहबना पोंडीग्राम देखेंगे जो कि बालोद में स्थित है, तो अलग अलग है उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर पोंडीग्राम जंगल सत्याग्रह जो कि पोंडी जो ग्राम है वो बिलासपुर में स्थित है, जहां पर जो है 1 जुलाई 1930 को ये जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। मुख्य रूप से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही पार्ट था। तो ये जंगल सत्याग्रह जो हो रहा था इसके लिए जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक शर्त थी कि जहां पर समुद्र नहीं है वहां पर हम जंगल कानून तोड़ेंगे, यानी आरक्षित वनों से घास काटकर। तो यहां पर भी आरक्षित वनों से घास काटकर जंगल कानून तोड़ा गया, जिसके प्रमुख थे रामाधर दुबे। ठीक है, जो कि 1 जुलाई 1930 को आंदोलन चालू हुआ था, यह आंदोलन चलता रहा, बहुत से लोग गिरफ्तार किए गए। उसके बाद जो है यह आंदोलन गांधी इरविन समझौता जब हुआ उसके साथ यह आंदोलन खत्म हो गया, यानी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हुआ तो यह आंदोलन भी जो पोंडीग्राम जंगल सत्याग्रह था वो भी खत्म हो गया। तो हमको याद रखना है कहां हुआ था, बिलासपुर में 1 जुलाई 1930 को, प्रमुख थे रामाधार दुबे। इसके अलावा और कुछ पेपर में नहीं पूछा जाएगा। अगला हम देखते हैं वो है मोहबना पोंडीग्राम जंगल सत्याग्रह। तो मोहबना पोंडीग्राम जंगल सत्याग्रह, मोहबना पोंडीग्राम जो है बालोद जिले में आता है, उस समय यह दुर्ग जिले में था लेकिन वर्तमान में यह बालोद जिले में है। तो मोहबना पोंडीग्राम जंगल सत्याग्रह 24 जुलाई 1930 को यह जंगल सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, जो कि बालोद में प्रमुख थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, जो कि दुर्ग के प्रमुख नेता थे उस समय, तो बालोद में मुख्य रूप से हुआ था। तो इसमें जो है ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट ही था। इसमें जो है जैसे गट्टासिल्ली जंगल सत्याग्रह हुआ था कि मवेशियों को आरक्षित वन में घास चरवाया गया था और उनको कैद करके कांजी हाउस में रख लिया गया था। बाद में जो है यहाँ पर नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में ये वैसे ही जैसे यहाँ गट्टासिल्ली में हुआ था वैसे यहाँ पर भी वही आंदोलन किया गया, कांजी हाउस के बाहर लेटा गया, अंत में छोड़ दिया गया पशुओं को। ठीक है, तो ये था मोहबना पोंडीग्राम जंगल सत्याग्रह, याद रखने वाली बात है, 24 जुलाई 1930 को हुआ था और बालोद नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, इसके बाद जो मुख्य रूप से अच्छा क्वेश्चन आता है रुद्री जंगल सत्याग्रह के ऊपर आता है। रुद्री जो है यहाँ पर मुख्य रूप से अगस्त 1930 में यह आंदोलन हुआ था या सत्याग्रह हुआ था, जंगल कानून तोड़ा गया जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट ही था, जंगल कानून तोड़ना, आरक्षित वन से घास काटना, वही जो है जंगल कानून यहाँ पर तोड़ा गया। तो ये जो आंदोलन रुद्री जंगल सत्याग्रह था चालू हुआ था 22 अगस्त 1930 को। यहाँ पर जो प्रमुख नेता थे जो इस आंदोलन को चालू करने वाले थे वो थे नथुजी जगताप और नारायण राव मेघावले। ठीक है, लेकिन जैसे ही पुलिस को यह सूचना लगती है कि 22 अगस्त 1930 को नथुजी जगताप और नारायण राव मेघावले जो है जंगल कानून तोड़ेंगे, तो इनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। और साथ ही साथ क्योंकि पंडित सुंदरलाल शर्मा भी उस समय यहाँ के प्रमुख नेता थे तो उनको भी जो है अभनपुर से पंडित सुंदरलाल शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन क्योंकि उस समय वहां के मालगुजार बोलने या गोटिया बोलने वो थे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव को जो कि प्रथम टोली के नेता थे, यानी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में जो है रुद्री जंगल सत्याग्रह चालू हुआ था। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जो थे यहाँ पर प्रथम टोली के नेता थे, यानी सबसे पहले आंदोलन घास काटने वाले यही गए थे और इनके साथ जो वहां के लोग थे वो शामिल थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है छोटेलाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में जंगल कानून तोड़ा गया। उसके बाद 16 दिसंबर 1930 का वो दिन आता है, 16 दिसंबर 1930 को जो है बहुत से लोग लगभग 5 से 6 हजार लोग जंगल कानून तोड़ने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और रुद्री के गांव में जंगल में पहुंचते हैं। तो वहां पर पुलिस देखती कि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, तो पुलिस जो है भीड़ को रोकने के लिए जो है गोली चालन करती है, जिसमें जो है आंदोलनकारी सिंधु कुमार की मृत्यु हो जाती है।
तो सिंधु कुमार की मृत्यु हो जाती है। तो पेपर में एक बार सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्वेश्चन में एक बार आया था कि छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण हुआ, तो वो गलत पॉइंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हिंसा हुई थी, यानी पुलिस ने गोली चालन किया था। तो ये पॉइंट अगर पेपर में आ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण हुआ था तो वो गलत पॉइंट है, ठीक है। तो ये हुआ, सिंधु कुमार की मृत्यु हो गई और ये आंदोलन जो है रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, तो उसके साथ ये भी जंगल सत्याग्रह समाप्त हो जाता है। याद रखिए, अगर पेपर में सब नाम इकट्ठा जाते हैं रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह में कि छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावले, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नथु जी जगताप, तो अपने को आंसर लगाना है वहां पर छोटेलाल श्रीवास्तव। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी धमतरी के एक नेता का नाम आता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, और इनमें से कोई भी नाम नहीं आ रहा है, तो हम पंडित सुंदरलाल शर्मा को आंसर मान लेंगे। या अगर वहां पर नारायण राव मेघावले का सिर्फ नाम आ रहा है, यानी धमतरी के कोई भी नेता का नाम आ रहा है वहां पर जो प्रमुख इसमें मैंने बताया है, तो हम उसको आंसर मान के चलेंगे, ठीक है। तो अब जो है अगर अलग से प्रथम टोली का नेता पूछा है तो छोटेलाल श्रीवास्तव। अब अगला हम जंगल सत्याग्रह देखते हैं, वो है तमोरा जंगल सत्याग्रह। तमोरा ग्राम जो है महासमुंद में स्थित है। तो यहाँ पर सितंबर 1930 यानी सितंबर 1930 में जो है ये जंगल सत्याग्रह हुआ था महासमुंद में, जिसके प्रमुख थे शंकर राव गनोद वाले, यति यतन लाल। यहाँ पर नाम याद रखना है, शंकर राव गनोद वाले और यति यतन लाल। तो तमोरा जंगल सत्याग्रह जो था वह ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही पार्ट था। तो आरक्षित वनों से घास काटने वाला यहाँ पे भी किया गया। तो शंकर राव गनोद वाले और चैती यतन लाल के नेतृत्व में ये जो है आंदोलन या सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। आरक्षित वनों से घास काटी गई थी। तो एक दिन जो है जैसे जैसे जो लोग घास काट रहे थे उनको गिरफ्तारी होते जा रही थी। तो एक दिन एक वहां पे बालिका रहती जिसका नाम रहता है दयावती, उसके नेतृत्व में सभी लोग इकट्ठा होते हैं जंगल के घास काटने के लिए। तो वहां पर उनको रोकने के लिए वहां पर एक एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर जिसका नाम रहता है एमपी दुबे, वो यहाँ पर उनको रोकने की कोशिश करता है। तो बालिका दयावती जो है यहाँ पर आकर इनको छापड़ मार देती है एमपी दुबे को, कि उनका कहना यह रहता है कि आप भारतीय हो के भारतीयों का साथ ना देके ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए उनको छापड़ मार दिया जाता है एमपी दुबे को। तो जितने भी लोग वहां पर माल गुजार यानी गोटिया रहते हैं वो मामले को संभालते हैं ताकि कोई हिंसक घटना यहाँ पर ना घटित हो, तो बाकी लोग वहां पर मामले को संभाल लेते हैं। तो ये भी आंदोलन जो तमोरा जंगल सत्याग्रह गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, जिसके बाद ये जंगल सत्याग्रह भी समाप्त होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतने जंगल सत्याग्रह कवर किए हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद भी हमारे 5 से 6 जंगल सत्याग्रह बचे हुए हैं, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ जो कवर्धा के फड़िंग नागवंश है उसको भी हम अगले ही वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारा किसान आंदोलन बचेगा उसको उसके अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, यानी 2 दिन और लगेगा फिर हमारा सीजी खत्म हो जाएगा, हिस्ट्री का जो पार्ट है। और कई कल किसी ने कमेंट में कहा था कि क्वेश्चन भी मतलब 5 से 6 क्वेश्चन जो है डेली का पूछा कीजिए, हम कमेंट में आंसर देंगे। तो वो पार्ट भी हम कल के वीडियो से चालू कर लेंगे कि जो भी है हम जो भी पढ़ रहे हैं 5 से 6 क्वेश्चन में ऐसे पूछूंगा, आप उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा और फिर मैं अगले वीडियो में उसका आंसर बता दिया करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो आज का वीडियो वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।